हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाज़ार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज़ मैं आता हूं मार्केट आवर्स के बाद नेक्स्ट डे की कुछ कॉल्स को लेके आता हूं और निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल बताते हुए जाता हूं, और जो कॉल लेकर आता हूं वो आप नेक्स्ट डे यानी कि कल इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस कॉल्स का कोई चार्जेस नहीं होता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। मैं एक सेल ट्रेडर हूँ, मेरा जो व्यू रहता है मार्केट को लेके वो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ फॉर हेल्पिंग पर्पस। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और एडवाइज़र भी नहीं हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है और टेलीग्राम में भी एक ग्रुप है, तो चाहे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक यूज़ करके उसमें ऐड हो सकते हैं आप, और वहाँ से वहाँ पर मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी का लेवल्स पोस्ट कर देता हूँ और लाइव एक कॉल भी पोस्ट कर देता हूँ कभी। ठीक है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं, अगर आपके खुद के नॉलेज हो तो आप ट्रेड कर पाएंगे उस पर। ठीक है, मैं सारे चीज़ वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, चाहे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं वो दोनों ग्रुप। ठीक है, और जो चीज़ दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पता है कि मेरा एक ट्रेनिंग कोर्सेज चालू है। ठीक है, अभी तो एक बैच चालू है, नेक्स्ट बैच जो है 20 सितंबर से होगा नेक्स्ट बैच। ठीक है, तो चाहे तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को कुछ मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, उसमें कैसे ट्रेड करें, और उसके साथ इंट्राडे के सारे चीज़ें, कुछ रूल्स और आपका स्टॉक सिलेक्शन से लेकर स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन में ट्रेडिंग, और एक प्रॉपर सेटअप है मेरा, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ, डिटेल्स में देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चाहे तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो ट्रेनिंग, और उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी रहता है, 10 डेज का लाइव क्लासेस रहता है 8 PM to 9 PM का, और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है, और फीस जो है दोस्तों एकदम कम से कम है। तो चाहे तो आप, अगर आप सीरियस है कि आपको लगता है स्टॉक मार्केट में इनकम करने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है, एजुकेशन आपका ज़रूरी है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें कुछ स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ जो उसमें, तो बहुत सारे इंट्राडे के लिए मेनली है, और एक्सपायरी के लिए एक ऑप्शन का स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ उसमें। तो पहले तो मेरा जो आज का एक्सपायरी में था उसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए स्क्रीन पर मेरा जो एक्सपायरी वहाँ पर मैं बताता हूँ ट्रेनिंग में, उसका ट्रेडिंग का रिज़ल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक गेम है, ठीक है, ज़ीरो लॉस एक प्रोसेस है जो एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कितना 24,830 रुपीस का प्रॉफिट मिला है आज मुझे। ठीक है, ये मेरा खुद का अकाउंट है, मैं शेयर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, एकदम देख सकते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को अगर आपको जानना है तो ट्रेनिंग को अटेंड करना आपका ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। पहले तो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट डे यानी कि कल जो मैंने कॉल दिया था उसको, उसको थोड़ा रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो येस्टरडे मैंने जो 3 कॉल दिया था उसका फर्स्ट कॉल जो था वो था आपका SBI का एक सेल कॉल। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों SBI में आज क्या हुआ, यहाँ पर तो ओपन तो हुआ बहुत ही गैप अप ओपन हुआ। आज तो पहले से ही निफ्टी एकदम पॉजिटिव में था, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में था, तो ये जो ओपन हुआ था ये एकदम पॉजिटिव ओपन हुआ था। तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके पूरा नीचे चला आया SBI। ठीक है, जो लोग यहाँ पर ट्रेड कर पाए, ऊपर की लेवल पर बहुत टाइम दिया था, नीचे चले आए थे, तो प्रॉफिट आशा करता हूँ आप लोगों ने बुक किया होगा। ठीक है, और लेवल्स थोड़ा चेंज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मैं आज जीता हूँ कल के लिए लेवल्स तो पता नहीं किसी को, मार्केट में क्या होने वाला है, गैप अप उठा जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो इसीलिए एजुकेशन आपका ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पर किया हुआ है अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉल था मेरा वो था सिप्ला का। सिप्ला का क्या था, सिप्ला का भी एक बाई कॉल था,
तो आप देख सकते हैं मेरा जो बाई कॉल था, आप ओल्ड वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, मैंने बोला था सिप्ला को बाई करने के लिए नियर 720, ठीक है। तो ई लेवल पर जाके सिप्ला एक्टिवेट हुआ, 12:15 का जो कैंडल है यहाँ पर एग्जैक्टली लो दिया था 719.5, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, उसके बाद पूरा ऊपर चला गया और 728.55 का हाई दिया, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा जो लोग ट्रेड किया हुआ तो। और मैंने ग्रुप में भी एक कॉल दिया था जील का, ठीक है, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला सबको, ठीक है। मेरा टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में मैं वो कॉल दिया था, ठीक है, जो लोग है वहाँ पर वो लोग तो देखा ही होगा, ठीक है, और जो लोग नए हैं टेलीग्राम में ऐड होकर देख सकते हैं मैं किस टाइम पर वो कॉल दिया था और क्या हुआ था, ठीक। और थर्ड कॉल जो मेरा था दोस्तों वो था बजाज फिनसर में। तो बजाज में भी क्या हुआ, आज तो ऊपर ओपन हुआ फिर से, आज ऊपर का लेवल एकदम गैप अप हुआ था, तो उसके बाद तो नीचे चले आया। जो लोग यहाँ पर ट्रेड किया हुआ तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल कॉल था, ठीक है। और फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि लेवल्स क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, आपका खुद का नॉलेज इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर अगर आप कॉल टिप में ट्रेड करेंगे भी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नॉलेज होना चाहिए कब इसको अटेंड करना चाहिए और कब इससे एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरा तीन कॉल, यूट्यूब वीडियो का लास्ट डे का तीन कॉल और मेरा टेलीग्राम चैनल में जो कॉल उसका रिव्यू तो हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे और पहले हम लोग देखेंगे कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी भी क्या हो सकता है, उसको लेके थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी में क्या हुआ, आज निफ्टी में आज का जो कैंडल है वो एकदम पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एकदम लो बना है 11,329 का और हाई दिया 11,462 का और क्लोजिंग जो हुआ 11,454 का, तो हाई के आसपास ही क्लोजिंग है। आशा करता हूँ कल यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन बनाया हुआ है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं 11,532 उसके आसपास से एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है, वहाँ से अगर आप इसको नीचे आ सकता है और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी आज क्लोज हुआ ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी का भी था, बैंक निफ्टी में आज पूरा दिन खतरनाक मूवमेंट रहा। इसका तो पहले इसका जो आज का लो था वो था 22,226, हाई था 22,677, ठीक है, क्लोजिंग हुआ 22,490 में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आज बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी तो था, इसीलिए थोड़ा खतरनाक मूवमेंट हो गया बैंक निफ्टी में। अगर 30 मिनट्स चार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार ऊपर गया फिर से नीचे आया फिर से ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आज प्रॉब्लम हुआ, जो लोग बैंक्स की स्टॉक्स में काम किया और बैंक निफ्टी में भी काम किया, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्सडे को इसका एक्सपायरी रहता है। तो इससे आपको अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो दूर रहना ही सही है आप लोगों के लिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। और जो लोग नए हैं उन लोगों को तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोगों के पास नॉलेज भी नहीं होता है और कुछ लोग इतना भी समझते हैं कि मार्केट एक जुआ सट्टा है, इसमें कोई भी आकर कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है, बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, इसमें मैंने बहुत सारे को आते हुए देखा और जाते हुए भी बहुत सारे को देखा है। तो इसलिए जो लोग नए हैं आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है दोस्तों और आप चाहते हैं इससे कमाने के लिए, तो आपको इधर नॉलेज को कमाना होगा या आपका और आपका फंड को गंवाना होगा, ठीक है, दोनों से आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ता हूँ, फास्ट कॉल जो है कल के लिए क्या है देख लेता हूँ। ए ग्रासिम का एक कॉल है, ठीक है, ग्रासिम में पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। आज तो एकदम बुलिश था ग्रासिम में,
और यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है, एक बुलिश कैंडल है, आप देख सकते हैं राशि में आज का जो लो था 681.35 का, हाई था 716.8 का, और क्लोजिंग दिया 711.5 में, ठीक है। तो ग्रासिम में दोस्तों हम लोग कल भी मार्केट अगर पॉजिटिव नोट में ओपन होते हैं तो हम लोग बुलिश है, यानी कि बाई करेंगे ग्रासिम में, ठीक है। यहाँ पर नहीं बाई करेंगे, थोड़ा इसको नीचे का लेवल का वेट करेंगे। मेरा जो लेवल है मैं शेयर करता हूँ, लिख लीजिए। ग्रासिम बाई नियर 695, स्टॉप लॉस 679, टारगेट 732। ग्रासिम बाई नियर 695, स्टॉप लॉस 679 और टारगेट 732, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो लोग नए हैं, जो लोग ओल्ड है, सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए, इसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग नए हैं लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए, और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हर रोज़ आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, हर रोज़ मैं वीडियो देता हूँ, आप मेरा ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं, हर रोज़ मैं वीडियो डालता हूँ नेक्स्ट डे का ट्रेड, नेक्स्ट डे का ट्रेड को लेके, ठीक है। तो इस तो नेक्स्ट कॉल में जाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट कॉल जो है वो है हमारा टाटा स्टील में, ठीक है। टाटा स्टील में देख सकते हैं आप, इतना ऊपर गया मार्केट, फिर भी टाटा स्टील में एक नेगेटिव ट्रेंड दिखने को मिला हम लोगों को। और यह इस पर जो चार्ट पैटर्न है वो जो एक बेयरिश कैंडल बना हुआ है, और मुझे लगता है कल के लिए फिर से अगर टाटा स्टील नीचे जा सकता है, अगर मार्केट नेगेटिव नेट में ओपन हुआ तो और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो टाटा स्टील में आज का जो हाई था वो था 425.2 और लो था 401.25, और क्लोजिंग जो दिया है वो लो के आसपास, यानी कि 407.95 में क्लोजिंग दिया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों टाटा स्टील में कल के लिए मेरा जो कॉल है वो सेल कॉल है। टाटा स्टील सेल नियर 409, स्टॉप लॉस 417.5, टारगेट 390। टाटा स्टील सेल नियर 409, स्टॉप लॉस 417.5, टारगेट 390, ठीक है। और दोस्तों फिर से मैं याद दिला देना चाहूँगा, 20 सितंबर से मेरा जो बैच चालू होने वाला है, चाहे तो उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सारे स्ट्रेटेजी बताऊँगा मैं, स्टॉक सिलेक्शन बताऊँगा, और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ीस मिनिमम से मिनिमम है, इतना मिनिमम है कि आप इंट्राडे में एक ट्रेड में वो निकल सकेंगे, ठीक है। और जो लोगों को डेमो चाहिए मेरा, इस वीडियो का आपका जो आई बटन है वहाँ पर मैं ऐड करके रखा हुआ है वो एक डेमो वीडियो, और एंड स्क्रीन में भी डाल दिया है, चाहे तो वो डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, जाकर देखिए, और अच्छा लगे तो ट्रेनिंग के लिए एनरोल कीजिए। सीट्स मेरा लिमिटेड है। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स जो लोग अभी से मेरा इतना रिस्पॉन्स आया है, मैं ये थैंक यू फॉर, मतलब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को थैंक यू, क्योंकि इतना रिस्पांस दिया, हर एक बैच में मेरा रिस्पांस आ रहा है और सीटें ख़त्म हो जा रहा है। तो चाहे तो अगर आपको लगता है आपको सीरियसली इनकम करना है इससे, सीखिए दोस्तों, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए, नहीं सीखेंगे भी तो फिर भी मेरा कुछ नहीं, मैं तो कॉल्स आपको देते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हार्ट कॉल जो है, किसी ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट भी किया था लास्ट डे को, एशियन पेंट्स में कुछ बताइए सर, तो मैंने उसको देखा आज और उस पर एक कॉल है मेरे कल के लिए। एशियन पेंट्स में देखिए दोस्तों, एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा खासा एक ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस जो था बार बार यहाँ पर चेक कर रहा था, आज ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो मुझे तो लगता है एशियन पेंट्स में जो है अभी भी बुलिश ट्रेंड तो शुरू हुआ है, लगता है ऊपर जा सकता है कल के लिए। मेरा आज का जो लो था एशियन पेंट्स में 1981 का, हाई था 2069.6 का, और क्लोजिंग दिया हाई के आसपास 2062.9 में, ठीक है। तो एशियन पेंट्स में कल के लिए मेरा जो कॉल है वो है एक बाई कॉल, ठीक है। तो एशियन पेंट्स में कल आप बाई कर सकते हैं 2034 में,
स्टॉप लॉस होगा 2003, टारगेट 2100। एशियन पेंट्स 2034 बाय, स्टॉप लॉस 2003, टारगेट 2100। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, आज चलता हूँ, फिर मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।